होकर आईपीएस की महान परंपरा के साथ जुड़ने जा रहे हैं वो 74 आरआर के सभी नौजवान साथियों, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप सब जब यहां से दीक्षांत उपरांत चले जाएंगे तब आप अमृत काल की बैच कहलाएंगे, क्योंकि ये आप हमारा आजादी का अमृत वर्ष है। हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए हैं और उस वर्ष में जो बैच आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेवा में जा रही है वो अमृत काल की बैच के आप सभी सदस्य माने जाएंगे, वो हमेशा के लिए आप सभी के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमने 7 दशकों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है और वो चुनौतियों का सामना करते करते लगभग 36,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यहां आने से पहले प्रतीकात्मक रूप से शहीद आईपीएस जवानों के शहीद स्मारक पर गया और शहीद आईपीएस जवानों के साथ साथ उन सभी 36,000 पुलिस कर्मियों को मैंने आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए दिया है।